बाबा बागेश्वर उदयपुर से जबलपुर पहुंच गए हैं। जबलपुर में 5 दिन कथा कहेंगे, लेकिन उन्होंने उदयपुर में जो कहा उस बयान को लेकर उन पर FIR हुई है। FIR के साथ साथ बवाल भी हो गया है। उदयपुर में हजारों की तादाद में संत समाज बाबा पर FIR के विरोध में सड़क पर उतर आए। लोग पुलिस से भिड़ गए। बाबा के समर्थकों ने आरोप लगाया कि एक विशेष वोट बैंक को खुश करने के लिए गहलोत सरकार ने बाबा पर FIR की। तो क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वोट बैंक पर असर डालते हैं? क्या बागेश्वर बाबा के सपोर्टर सरकार बनाने की ताकत रखते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदू वोटर्स को एक कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा का वही कार्यक्रम बन रहा है, वही कथा का आयोजन हो रहा है जहां या तो विधानसभा चुनाव है या फिर वो राज्य 24 के लोकसभा चुनाव के लिए अहम है। इस वक्त बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। क्या वो वहां से भी 23 और 24 की पिच तैयार कर रहे हैं? कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान ने बनाना है। 100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हरों का देश नहीं है ये, भगवा मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुझदिल हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हारी की धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे, राम का झंडा फहराना चाहिए। इसी बयान पर FIR हो गई है। इधर FIR हुई है उधर बाबा के भक्त सड़क पर आ गए। बाबा के भक्त बड़े आक्रोश में हैं। उदयपुर की सड़कों पर भगवा भगवा हो रहा है। FIR के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। टारगेट पर गहलोत हैं, सीधा अल्टीमेटम है, FIR वापस लेनी होगी। और कुंभलगढ़ किले पर हरा झंडा उतारने के आरोप में जिन 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उन्हें छोड़ना होगा। आप शाम को उस नशे वाले केस को मैनिपुलेट करके फिर एक नया केस तैयार करते हैं और रात को 3 बजे उसको एक मुकदमे का रूप देते हैं, जिसको उस सभा से जोड़ते हैं जिस सभा में हिंदू समाज इतने बड़े ज्वार के रूप में खड़ा हुआ। अरे यह राजनीति नहीं है, कहीं भी हमने अशोक गहलोत जी को चैलेंज नहीं किया है। इसे हिंदू समाज ने अशोक गहलोत जी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ वक्त भी नहीं बोला कि हमारे विरोध इस तरीके से षड्यंत्र करके हमारे संत के विरोध एक FIR दर्ज कर दी गई जो हम बर्दाश्त नहीं करते। बाबा का दम क्या है भगवा भीड़ के ये तेवर बता रहे हैं। बाबा बागेश्वर के लिए लोग पुलिस से भिड़ने को तैयार हैं, हिंदू हित के लिए गहलोत सरकार से लड़ने को तैयार हैं। जब उन लोगों ने हरे झंडे लगाए, अपनी मस्जिदें बनाई, तो प्रशासन क्यों नहीं बोला? तो आज हमने हमारे झंडे लगाए तो क्या गलत कर दिया? हम मेवाड़ की भूमि में और हम लहराएंगे अपने झंडा। झंडे लगे हुए हैं कितने समय से लगे हुए हैं? क्या 4 साल से आज लोग कह ही रहे हैं कि मस्जिदें बन रही है, वहाँ काफी टाइम से आक्रमण हो रहा है उन लोगों का। वो अपना अपनी अतिक्रम कर रहे हैं, वो अपनी मतलब बना रहे हैं कि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा है वो जगह, जबकि वो मेवाड़ की भूमि है और मेवाड़ की भूमि ही रहेगी। पहले भी बात का राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूर्ण जोर से विरोध करती है और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ये अल्टीमेटम देती है कि सरकार अगर 15 दिन में ये कार्रवाई नहीं करेगी, ये हरे झंडे जो 100 लग रहे हैं कुंभलगढ़ के अंदर वो नहीं हटेंगे, तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना एक ऐसा आंदोलन करेगी जो विश्व में याद रखा जाएगा
आगे मरना और मर मिटने के लिए तैयार है राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और पूरे हिंदुत्व इसके लिए तैयार खड़ा हुआ है। अगर 15 दिन के अंदर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अल्टीमेटम देती है, अगर सरकार 15 दिन में नहीं हटाएगी तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा। बाबा ब्रिगेड की बाबा हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, किसका गणित सेट कर रहे हैं। राजस्थान से बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, दोनों जगह पर चुनाव है। जिस तरह से बाबा का भगवा हाई पिच पर है, कयास लगने लगे हैं कि क्या बाबा आने वाले चुनाव के लिए मैदान तैयार कर रहे हैं, या भक्तों की ताकत से राजस्थान मध्य प्रदेश में सरकार भी बनवा रहे हैं। ये बातें ऐसी ही नहीं कही जा रही। छतरपुर में जब बाबा ने कन्या विवाह का आयोजन किया था तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके दर पर जा चुके हैं। और ये लोग ऐसे ही नहीं, 26 साल के धीरेंद्र के शास्त्री को बड़ा बाबा मानने लगे हैं। उसकी वजह है बाबा की बढ़ती फैन फॉलोइंग, जिसमें बाबा का पावर साफ नजर आ रहा है। सिर्फ बाबा के चमत्कार और बाबा की कथाओं में ही नहीं, पावर ऑफ बाबा को समझना है तो उनके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का ग्राफ देख लीजिए। फेसबुक पर 39 लाख फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर 45 लाख 60 हजार के करीब सब्सक्राइबर हैं। वैसे ही इंस्टाग्राम पर 4 लाख 4 हजार फॉलोअर हो चुके हैं, ट्विटर पर 1 लाख 13 हजार फॉलोअर्स हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जिस तरह से बाबा का प्रोग्राम कभी महाराष्ट्र, कभी राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश में लग रहा है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। इसीलिए बाबा की एक एक बात को सियासी कसौटी पर रखा जा रहा है। तुम अपने ऊपर किसी और का राज चाहते हो? तुम चाहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? तुम चाहते हो कि घर घर रामचरित मानस पढ़ी जाए? तुम चाहते हो कि अब राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंके जाए? चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ सब। रावण के खानदान के मत उठाना, जो रावण वाले हो तुम कॉल आए अपने अपने कक्का के, तुम मत उठाना। जो सच्चे राम के हो वो दोनों हाथ उठाओ, संतों में भी उठा लो। आज कहो, आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेवाड़ की भूमि में, उदयपुर नगर में हम सायंकाल यह संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी महाराज की शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हम वचन लेते हैं भगवान राम। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भगवान कृष्ण का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, संतों की रक्षा करेंगे और हिंदू
बैठेंगे। भगवान बालाजी हम पर कृपा करें, सन्यासी बाबा कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। खुद ताली बजा लो अपने हाथों से। अब तुमने शपथ खाई भैया हरो, तुमने हाथ उठाए और आप ही ने कसम खाई, आप ही जानियो। अगर बिगड़ जाए है ना तो बब्बा जी ढूंढ ढूंढ पूछ घुमा है। बाबा कितने सनातनी हैं और कितने पॉलिटिकली, उदयपुर में जिस तरह से बाबा के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं उससे आप खुद समझ सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।